मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उन क्षेत्रों में फिर से मतदान की मांग की गई जहां सबसे अधिक नोटा वोट है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा यह चुनावी प्रक्रिया के बारे में भी है, देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने सूरत मामले का हवाला दिया जहां भाजपा उम्मीदवार को बिना किसी चुनाव के विजेता घोषित कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था और अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और कहा कि हमने सूरत में देखा चूंकि वहां कोई नहीं था, अन्य सभी उम्मीदवारों को केवल एक ही उम्मीदवार के लिए जाना होगा। खेड़ा की याचिका में यह कहा गया कि ईसीआई को इस आशय के नियम बनाने का निर्देश दें कि यदि नोटा को बहुमत मिलता है तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। याचिका में ये कहते हुए नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा और एक काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में नोटा का उचित प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा का विकल्प हमारी चुनावी प्रणाली में मतदाता के पास अस्वीकार करने के अधिकार का परिणाम है। भारत से पहले 13 अन्य देशों ने नेगेटिव या अस्वीकार करने का अधिकार अपनाया था। इस सूची में फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। फिनलैंड, बेल्जियम, ब्राजील, बांग्लादेश, चिली, ग्रीस, स्वीडन, यूक्रेन, अमेरिका, कोलंबिया और स्पेन में नोटा को वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों के संबंध को अस्वीकार करने के अधिकार के रूप में देखा जाता है और इस याचिका में भी विस्तार से बताया गया है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि नोटा का विचार और उद्देश्य राजनीतिक दलों पर बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दबाव डालना है। ऐसे उदाहरण होते रहते हैं जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं, तब एक वोट क्या करे। ऐसे में नोटा मतदाता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है। नोटा पर ईसीआई द्वारा जागरूकता की कमी का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि देश जागरूकता की कमी और चुनाव आयोग के असंगत रवैये के कारण नोटा को लेकर समस्याग्रस्त राजनीतिक और चुनावी प्रणाली के खिलाफ विरोध के एक साधन के रूप में नोटा का उद्देश्य विफल हो गया। खेड़ा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि भारत का चुनाव आयोग नोटा को एक वैध उम्मीदवार के रूप में मानने में विफल रहा है जो शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में आवश्यक है क्योंकि नोटा केवल एक नागरिक का मतदान नहीं बल्कि वास्तव में एक वैध चयन है। नोटा एक मतपत्र विकल्प है जिसे मतदाता को मतदान प्रणाली में सभी उम्मीदवारों की अस्वीकृति का संकेत देने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में नोटा की शुरुआत 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी। हालांकि भारत में नोटा अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार नोटा वोटों की संख्या की परवाह किए बिना चुनाव जीतता है।